आपके सपने अब होंगे पूरे। चालीसा हिल व्यू के साथ तिरुपति डेवलपर्स एंड कॉलोनाइजर्स की नई पेशकश। हमारा पता है किशोर न्यायालय के पास, राजघाट रोड, लिंक रोड, तिली सागर। साल 2018 में सागर शहर को देश में सबसे सुरक्षित सिटी का तमगा मिला था। देश के सबसे सुरक्षित सिटी में इस साल 6% आपराधिक मामले में गिरावट दर्ज की गई है। सागर जिले में 15 दिसंबर तक 7,305 मामले दर्ज किए गए थे, वहीं साल 2018 में 7,706 मामले, साल 2017 में 9,206 मामले दर्ज हुए थे। ये आंकड़े जिले के अजाक्स थाना, ट्रैफिक थाना सहित 31 मुख्य थानों से सामने आए हैं। हालांकि इन मामलों में हत्या, बलात्कार, अपहरण, आबकारी और जुआ जैसे मामलों में बढ़ोतरी हुई है। अब ऐसे में इन अपराधों के बढ़ने से अंदाजा लगा सकते हैं कि हम कितने सुरक्षित हैं। तो डकैती, हत्या का प्रयास, बलवा, गृह भेदन, चोरी और सामान्य अपराधों में कुछ आंशिक कमी आई है, जो पिछले साल की तुलना में 400 से अधिक घटनाएं कम घटित हुई हैं। इनमें सबसे कम केवल एक लूट की घटना हुई है, तो सबसे ज्यादा 3,000 आबकारी से संबंधित कार्रवाइयां की गई हैं। बता दें कि इस साल 18 जनवरी को जिले की कमान एसपी अमित सांघी ने संभाली थी, जिन्होंने कई चुनौतीपूर्ण मामलों का खुलासा जल्दी किया, जिनमें हत्या के 98% मामलों को सुलझा लिया है और सामान्य अपराधों में भी गिरावट आई है। सागर जिला काफी बड़ा है और यहाँ पे आईपीसी के बड़ी संख्या में अपराध दर्ज होते हैं, परंतु इस बार हमारे पास जो 15 दिसंबर तक की अभी जानकारी है, अभी साल में 5-6 दिन बचे हुए हैं और 15 दिसंबर तक का डेटा अभी रखा हुआ है, जिसके अनुसार पिछले साल की हम तुलना करते हैं तो लगभग 6% अपराधों में कमी आई है। पिछले साल जितने आईपीसी के ऑफेंस भारतीय दंड विधान के अपराध दर्ज हुए थे, उसकी तुलना में इस वर्ष 6% के अपराध कम हुए हैं। और इसमें सबसे अच्छी बात यह रही है कि महिला संबंधी अपराधों में ओवरऑल कमी आई है और हत्या के प्रकरण हमारे बढ़े हैं, किंतु उसमें यह है कि लगभग सभी हत्याएं ट्रेस हैं। 1-2% मामले ऐसे हैं, 2% जो कि लंबित हैं और जिनको हम आने वाले समय में उम्मीद है कि हम सुलझा लेंगे। तो इस प्रकार ये अपराध यदि 5-10% बढ़ते हैं या कम होते हैं तो ये इसको एक सामान्य उसमें लिया जाता है, परंतु यदि बहुत अधिक बढ़ोतरी होती है या बहुत अधिक गिरावट होती है तो फिर वो समीक्षा योग्य बातें आती हैं। परंतु जिले में गत वर्ष से अपराध कम हुए हैं और जो हमारा संपत्ति संबंधी अपराध होता है, जिसमें कि गृह भेदन होता है या अन्य चोरियां होती हैं, उसमें भी आंशिक कमी आई है। और जो बालक बालिकाएं गुम होते हैं उसमें इस साल बहुत अच्छी रिकवरी हुई है और 1 जनवरी से अभी तक बीते सालों के भी यदि हम मिलाते हैं, बच्चे बच्चियों को इस बार पुलिस ने ढूंढ के और उनके घरों तक पहुंचाया है। सर, आगे भी जो बच्चियां गुम हैं, लापता हुई हैं, उनके लिए ढूंढने वालों के लिए कुछ इनाम रखा गया है क्या? हाँ, ये अपराध की गंभीरता और इन सब को देखते हुए इस पे इनाम घोषित किया जाता है और जो भी बच्ची, नाबालिग बच्चे इनको हमारी टीम ढूंढ के लाती है, उनको इसमें प्रत्येक केस में रिवॉर्ड दिया जाता है। और उसी का नतीजा है कि अभी जो पुलिस मुख्यालय द्वारा एक अभियान चलाया गया था, उसमें सागर प्रथम 3 जिलों में रहा था और अभी भी अभियान चल रहा है, जिसमें सभी लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और जैसा मैंने बताया, मैं फिर रिपीट करूंगा कि इस वर्ष हम नाबालिग बालक बालिकाओं को ढूंढ चुके हैं, तो ये हमारा एक विशेष अभियान चल रहा है। सागर टीवी न्यूज के लिए अनुज गौतम की रिपोर्ट। आपके सपने अब होंगे पूरे। चालीसा हिल व्यू के साथ तिरुपति डेवलपर्स एंड कॉलोनाइजर्स की नई पेशकश। 7.83 एकड़ में आवासीय प्लाट चालीसा हिल व्यू। सर्व सुविधा युक्त कॉलोनी में सभी साइजों में आवासीय प्लाट उपलब्ध हैं। पूर्णतः वैध कॉलोनी, संपूर्ण रूप से कवर्ड कैंपस, गार्ड रूफ,
पार्क, 24 घंटे सीसीटीवी से सुरक्षित कैंपस, चौड़ी सीसी रोड, प्राकृतिक सुंदर पहाड़ों के बीच स्थित कॉलोनी, प्रदूषण मुक्त वातावरण, वाटर सप्लाई ओवरहेड टैंक द्वारा, सिवर लाइन हेतु सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, सुंदर स्ट्रीट लाइट, राष्ट्रीयकृत बैंकों से फाइनेंस सुविधा उपलब्ध है, तो आज ही संपर्क करें। हमारा पता है किशोर न्यायालय के पास, राजघाट रोड, लिंक रोड, तिली सागर।